नहीं ऋतिक बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। देखो ये आपको दो एक्सरसाइज का बोला भी नहीं था, पढ़ाओगे मैम आप? यस हमें मतलब तुम B05 में ही होगे, एक्चुअली मैम, B01 B05 मर्ज होगा, वो हर्षित सर नहीं। टाइमिंग्स टाइमिंग यही होगा क्या फिर? बता देंगे तुमको, टाइमिंग्स तो क्या होंगे, वैसे कोई भी क्लास 6:30 से पहले नहीं है, ठीक है, जो भी क्लास है 6:30 से ही स्टार्ट होगी। अभी मैम पास इसका टाइमिंग चेंज हो सकती है ना? क्या हो सकती है, टाइमिंग चेंज 7:30 बाद हो सकती है टाइमिंग? सोनू बेटा आप कौन से बैच के हो वैसे, मुझे मैंने तो आज फर्स्ट टाइम देखा है आपको। तो यस मैम, G10 में हूँ मैम। G10 तो मेरे पास ही है, आप तो मुझे आज ही दिखे हो। यस यस मैम, मैम, इनका मैं फोन पहले, खराब था सर मैम। अच्छा टाइमिंग चेंज का तो मुश्किल है सोनू, क्योंकि हो सकता है आपसे, ओके मेरे पास भी B03 B04 है, देख लो उसमें, देख लेंगे वो तो, मेरे को बता देना कौन सा कंफर्टेबल है। इवनिंग में मैं चाहिए हो जाना आज कल इवनिंग में। मेरे को एक बार बता देना आप, ठीक है, मैं देख लूंगी, क्योंकि दो बैचेस मेरे पास हैं या चीनू मैम के पास हैं और बाकी हर्षित सर के पास है, तो टाइम जो जो भी कंफर्टेबल होगा ज्वाइन कर लेना। वो तो मैम मैं एक तो तारीख होगा, एक टाइम तारीख के बाद। अभी कोई दिक्कत नहीं मैम, एक तारीख के बाद भी हो सकती अच्छा है, ठीक स्कूल है, खुल जाएगा ना भैया। कोई नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को, मेरा नंबर है आपके पास नो मैम, भाई, मेरा नंबर कोई भेज देना बेटा किसी के पास हो तो, चैट बॉक्स में डाल देना, तो कोई भी हो टाइम वगैरह जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी बात करके। ठीक ओके मैम। चलो बताओ भाई, तुमने ट्राई किए हैं, तुम बताओ कैसे कैसे करना है, मोटा मोटा ही देखेंगे हम, ज्यादा डीप तो जाएंगे नहीं, कुछ एक तो मेरा आंसर इम्पॉसिबल सॉल्व 1 आया था इसका पहले का। वन तो, अच्छा वन एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, यस यस मैम, मैम, मेरा भी यही आया था। यस मैम, यही है। इसमें इसमें तो आपको मैम ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, वहां पे जाके लास्ट में तुम्हारे दो ब्रैकेट्स बनेंगे, तो उसमें से एक ब्रैकेट तुम्हारा ये आएगा, तुमने सॉल्व किया हो तो, थीटा -5, यही आ रहा था, यस मैम, यस मैम, यस यस मैम। मैम, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0 करोगे, तो यहाँ पर फिर तुमने लिखा होगा 2n+1 5/2, फोर्स की वैल्यू 0 किस पे होती है, 2n+1 5/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, तो आंसर कंपेयर करके कितना आ जाता है तुम्हारा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। बेटा कोई ऐसा हो ना कि मैम ये करके दिखा दो, मेरे को बता देना, मैं करके दिखा दूँ। यहाँ सिंपल आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है, a × b करोगे आप, ठीक है, सॉल्व करोगे तो ऐसे आपका ब्रैकेट्स बन जाएंगे, जो उसमें से एक ब्रैकेट आएगा cos θ -5 = 0, ठीक है। अब आपको ये देखना है 0 cos कहाँ 0 देता है। अनुराग बेटा ये इजी वाले क्वेश्चंस करवाओगे ना तो मैं आगे वालों पे नहीं कर पाऊंगी, चलो देख बहुत बड़ा है ये मल्टीप्लिकेशन। जा रहा है इसमें, इसमें तो इरेजर का ऑप्शन ही नहीं है, देखो आपको AB कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, इस रो को रो को कॉलम ऐसे इस लिखते कॉलम हैं। से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, cos² थीटा cos² फाइव प्लस cos थीटा sin थीटा cos 5 sin 5, ठीक है। सेम दूसरे वाला क्या बनेगा आपका एलिमेंट, इस वाले रो को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, क्या बनेगा, cos³ थीटा, नहीं cos θ, एक मिनट, cos² θ इंटू में cos 5 sin 5 प्लस cos θ sin θ इंटू sin², यही बनेगा। यस मैम,
ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, सेम आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसको इससे, यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन करके लिख लोगे। उसके बाद आइडेंटिटीज लगानी है, कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लेना, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो सिंपल कॉमन लेना है आपको। मैम हो जाएगा ये? अच्छा ये तो हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आसान है, ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी नेक्स्ट बोला का हुआ है, बी, आपको दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। नेक्स्ट का मैम सी बी बी पार्ट आएगा इसका। ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं तो तुम्हारा कुछ बी पार्ट, तो तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मैम 3 कॉमन लेके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगा ए। यस मैम। ठीक है, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक यस मैम। है, यहां से आप 3 कॉमन ले लेना, तो कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 3 हो थ्री जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट यस में क्या करोगे? मैम। नेक्स्ट में 4 है, फोर्थ मैम फोर्थ ऑप्शन आया था। यस इसमें क्या ऑप्शन। किया एक्स होगा, एक्स स्क्वायर निकाला होगा, एक्स क्यूब निकाला। निकाला होगा, वहां से तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व हो गया होगा, ऐसा ही है। यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना, एक्स क्यूब कैलकुलेट करना, दोनों सॉल्व करने के बाद तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, और पैटर्न ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग फिर तुम अपना ऑप्शन मार्क कर देना। ठीक है, मैम। उससे नेक्स्ट कैसे किया? मैम 4 का 1। हाँ वो तो ठीक है, किया कैसे ये बताओ ना। मैम ये मैम आई प्लस a की पावर 10 है ना, मतलब तो इसे मैंने आई प्लस ए का स्क्वायर करा है ना, तो जो अच्छा आई वैल्यू उसमें मतलब मैम i+3 है बन गया था और उसकी पावर 5, और फिर a² जो था वो a के बराबर था, a³ भी a के बराबर था, इसे शो किया फिर उसके बाद आंसर आया। देखो, तुम इसको बायनोमियल ही, तुमने बायनोमियल सीखा हुआ है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो तुम। 10c0i + 10c1, आई की पावर तो कुछ भी करोगे आई ही रहेगा, प्लस यस मैम। मैम 10c2a² + ये चलता जाएगा 10c10, कितना टेन बनेगा यहाँ पर ए की पावर 10, यही बनेगा। ठीक यस है, अब इसमें तुम वैल्यूज पुट करोगे, अब जैसे 10c0i तो आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर को तुम क्या पुट कर देना, ए स्क्वायर को ए बोला हुआ है, यहाँ पर ए पुट कर देना, तो सिमिलरली चलते जाओगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएंगी तुम्हारी, ए तो कॉमन आ जाएगा, अंदर सिर्फ ये बचेगा 10c1 + 10c2 + 10c3 up to 10c10, इन सबको ऐड कर लेना, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, के की वैल्यू हो जाएगी, कर लोगे? ठीक यस मैम, यस है, मैम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर इसका, 1023। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हाँ क्यों है ये ऐसा, मैम इसमें मेंशन क्योंकि नहीं किया हुआ मैम है कि ए कंप्यूट कर माइनस रहे बी हैं। और बी हाँ, प्लस ए एन a² - b² a + b * a - b के इक्वल तब होगा जब उन्होंने मेंशन कर रखा हो क्या, ए बी जो है मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूट करती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये वाली आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाले में उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट आंसर आया था। भाई a + d2 दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, ए ट्रांसपोज क्या होता है भाई, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए यही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a² - 2a, ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, यस मैम। ये a² - 2a कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनेगी, तो सॉरी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक मैट्रिक्स यस मैम। है, तो उसमें से a + d देख लेना कौन से एलिमेंट्स ऐड करके 2 के इक्वल रख देना, वहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे? यस मैम। नहीं मैम नहीं नहीं इसे बच्चे इसमें आप, तो कैपिटल एस लिखा हुआ ना, कैपिटल एस निकालना मैम, वो समझ नहीं आया था वो क्या है। बेटा कैपिटल
आपको मैं बता रही हूँ ना वो निकालना है, आपको एक ही वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। जितनी एक ही वैल्यूज निकलेंगी उतने मैट्रिसेस आप बना सकते हो, तो मतलब ये है। तो ये बोल रहा है सेट ए है मैट्रिसेस का, ए के इक्वल है, तो कितने मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हो आपको ये बताना। जितनी एक ही वैल्यू निकलेगी उतने मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हो, आप सॉल्व करना, एक ही वैल्यू एक ही निकलेगी, ठीक है। क्लियर है? सेवेंथ में क्या करोगे? एक एक ही निकल रही थी हाँ एक ही निकलनी चाहिए इसलिए। मेरी, दो निकली थी जो कि एक सेटिस्फाई नहीं कर रही। करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, पहले सेवेंथ बताओ। ये तो क्लास में करा रखा सेवेंथ में है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको बताना है इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक कौन सा है। ये हम कर चुके हैं क्लास में, यस मैम। कौन सा आंसर बताओ फिर। फर्स्ट ऑप्शन एम फोर फोर नहीं बेटा, फोर्थ से कहाँ जा रहे हो, इसी पे देख लो ना। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ए ट्रांसपोज के बारे में बताना, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज लो। सिमेट्रिक के लिए हम यही चेक करते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाना चाहिए। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो ये ए ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो तुमने इसको क्या बोल दिया, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। लॉजिक क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया तो सेम वही वैल्यू आया ना। यस मैम, सेम वही वैल्यू आ रही है, चेक कर लो एक बार। यस मैम सेम ही आ रही है मैम, ए ट्रांसपोज ही तो आ रहा है, ए ट्रांस ए इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू इनटू ए ट्रांसपोज ही आ रहा है। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम आई भाई यशवीर, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करो एक बार। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब तुम्हें शायद कोई गलती करती होगी मैंने। हाँ इसमें तो कैसे ही बताओगे, या तो तुम ऐसे करो, कैसे बताओगे इसमें सिमेट्रिक का, नहीं बता पाओगे ना भाई। आपको मैंने शायद पावर देख के वो बोला है, नहीं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने दे रखा है ना कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैम, इसमें मेंशन ही है ना कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ तभी तो मैम फर्स्ट ही, हम लोग अब नहीं करते कुछ, ठीक है। एट बताओ, जीरो आएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो डायगोनल मैट्रिक्स है मैम, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा सॉरी मैम, मैंने नाइन्थ को बता दिया। बोला है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज होगा तो माइनस ए के इक्वल आएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। एंड एन इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो ए की पावर एन का बताना है आपको, क्या सीन है, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ऐसे ही करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए का ट्रांसपोज की पावर एन। अब ए का ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक इसने बोला हुआ है, ठीक है, तो माइनस ए के इक्वल आएगा, उसकी पावर है एन। एन इसने बोला इवन इंटीजर है, तो ये जो माइनस एक आ जाएगा an ही आ जाएगा। हाँ तो an ही आएगा, इसका मतलब ये क्या है, an का ट्रांसपोज लिया और an के इक्वल आ गया, दैट मींस ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वाली तो आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ a इज जीरो जीरो। ये वाला मैंने आपको बताया था, और इसमें मैंने एक स्पेशल मेथड बताया था कि तुम इसको ऐसे कर लेना, याद हो तो किसी को। मैंने एक बार बता दे, मैंने इसमें क्या बोला था कि तुम इस पैसे कर लेना, रो से तो रो से कॉमन ले लो ए बी सी। देखो रो से कॉमन लोगे, इधर से ए ले लो, इधर से बी, इधर से सी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए बी और सी, नीचे क्या बनेगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में बी और सी। नीचे वाले में से सी कॉमन लोगे तो ए b और c square plus 1 by c, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें कहा था, तुमने a b c कॉमन तो ले लिया, कॉमन लेके इसको बाहर निकाल लो, कॉमन ले लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करो, कॉलम वाइज, ठीक है। तो कॉलम वाइज जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में a से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, a square plus 1 a square, सेकंड में मल्टीप्लाई करो b से तो b square plus 1 b square, थर्ड में मल्टीप्लाई करो c square c square plus 1, ठीक है। अब तुम इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा लो, तुम क्या करना, ये दोनों माइनस कर देना ताकि सी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाए, जीरो बन जाए, और ये दोनों भी माइनस कर देना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो बन जाएगा, और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है, डिटरमिनेंट खोल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कर लोगे, यस मैम, यस मैम, ठीक है।
नेक्स्ट बताओ मैम, एक्स स्क्वायर मैम वन 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 तो पिछले ऑप्शन में ही नहीं है बेटा। मैम वो 11 का देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सेकंड ए बी और सी निकाल, ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, नीचे से बी कॉमन आ रहा है, इससे सी कॉमन आ रहा है, ठीक है इन सबको कॉमन ले लो, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकाल देना, ठीक है। ये तो सिंपल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। यस कर लोगे? यस मैम, एक्स स्क्वायर आया ना। हाँ एक्स स्क्वायर आया, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, चेक कर लो एक बार ऑप्शन क्या है इसका, मुझे पता नहीं। हाँ ठीक है, मतलब जब तुम सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में एक एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री दोनों चीजें आएंगी वैसे तो, बट इन्होंने ऑप्शन में एक चीज दे रखी है तो एक्स स्क्वायर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेना, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद तुम पहुंचोगे यहाँ पर लास्ट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर मिलेगा आंसर में, इसका मतलब ये जो भी डिटरमिनेंट तुम सॉल्व करो ये एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है, तो आंसर बता देना एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या करोगे? देखो ये वैसे बड़ा है क्वेश्चन, बट अगर तुम्हें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना आता है ना तो ये इजी है बहुत। कैसे लगाओगे? हाँ सोचो, इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है ये। यस मैम। किस किसका है ध्यान से देखना, वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू में वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर, ये इन दोनों मैट्रिसेस मतलब डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हो? अब ये तो तुम्हें सॉल्व करने आते हैं, यहाँ तो वन 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 दिख गया, वन 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 दिखते ही तुम क्या करते हो, रो टू माइनस रो वन कर दो, रो थ्री माइनस रो टू कर दो, जीरो जीरो क्रिएट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी कॉलम में माइनस कर दो, इन दोनों कॉलम्स को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, जीरो जीरो क्रिएट हो गया। जीरो जीरो क्रिएट होने के बाद तुम डायरेक्टली उसको ओपन कर लेना, वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक यही स्टेप तुम फॉलो करो। क्या कह रहे हो प्रणव? तो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है ना। हाँ जिनको स्टैंडर्ड याद नहीं हो वो अपना कर लेना, वैसे भी वन 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 बनने के बाद तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। आगे डिटरमिनेंट सॉल्व करना, बस एक यही स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट था, अगर तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो हो जाएगा काम। अब तुमने ये नजरों से, तुम्हारे नजरों से क्वेश्चन निकल गया तो कल कोई आएगा तो तुम पक्के से ये कर दोगे, ठीक है, प्रैक्टिस पे है वो बात। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में भी सीधा डिटरमिनेंट निकालना है, निकाल लोगे? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट में भी निकालना है डिटरमिनेंट ही? यस मैम। देखो जैसे ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ये वाला देखिए, इसका आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू में कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। अच्छा प्लस क्या बनेगा आपका, देखो ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, नीचे लिख रही हूँ मैं, प्लस साइन थीटा प्लस फाइव इंटू में साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक है, प्लस कॉस टू फाइव इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा लोगे अब, cos a cos b माइनस साइन इन साइन बी, और थीटा प्लस के 5 को खोल देंगे तो ये वो बन जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा प्लस के 5 को खोल देंगे मतलब मैम cos थीटा प्लस के 5 को जब आइडेंटिटी लगा के। यस मैम। नहीं इसको क्यों खोलना है, हम तो चीजों को कंप्रेस करते हैं, आप तो फिर इसको और एक्सपेंड कर दोगे। आप ये देखो ना, यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होती है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, तो ये मेरे को बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बन जाएगा। यस मैम, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैम वही मैंने यहां पर भी आइडेंटिटी लग रही है,
साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, और ये तो वन है ही, यहाँ पे खाली कोस टू फाइव बचेगा राइट, तो ये तो मिलके वन हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो रहा है, तो बच क्या गया आपका वन प्लस, इधर से ये बच गया कोस टू फाइव, ये आंसर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो आंसर है वो डिपेंडेंट है कि नहीं है थीटा पे या फाइव, आपका फाइव पे डिपेंडेंट है तो आप बोल दो फाइव पे तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, थीटा नहीं आपके आंसर में, ठीक है, क्लियर है। चलो ऐसे ही आपको ऊपर वाला करना है, ठीक है, आंसर आएगा आपका कोई मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटीज लगेंगी, देख लेना थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट बताओ, 15 का मेरा 3 आया, नेक्स्ट में देखो ऑपरेशन लगा सकते हो, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, हाँ इसमें क्या करो देखो ax + b है तो c3 में c3 माइनस x टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2 करोगे तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे, ठीक है, ये जीरो बनते ही एक्सपेंड कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना, सिंपल ऑपरेशन। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट भी आपका सिंपल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है, उससे नेक्स्ट 17 16 एक बार बता दो मुझे सॉल्व नहीं हुआ था, हर्लिन बेटा 16 बड़ा बहुत है, या तो लास्ट में सॉल्व करवाऊंगी, इस पेज पे आएगा ही नहीं, क्या नहीं सॉल्व हुआ, किसी ने सॉल्व किया हो तो बताओ भाई कौन सा ऑपरेशन लगाया तुमने यहाँ पे, या तो C2 माइनस C3 कर लो, और C1 माइनस C2 करोगे तो नीचे भी जीरो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भी जीरो क्रिएट हो जाएगा और इधर भी जीरो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड करना है हर्लिन बेटा, क्या नहीं हुआ इसमें आपका। यस मैम मैंने ट्राई किया था बट मैम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था, आपका फिर से क्या बोलते हैं उसको कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, तो सीधा एक्सपेंड ही करना। 17th बताओ, 17 भी एक्सपेंड ही करना है, हम इसमें एक्सपेंड करके फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, जीरो आ रहा है, डिफरेंशिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है प्रणव, इसमें जब तुम एक्सपेंड करोगे ना तो तुम्हारी fx की वैल्यू जीरो आ रही होगी, हाँ तो जीरो ही आ गया आंसर। देखो यहाँ पे वैसे सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से तुम x कॉमन निकाल लेना, थर्ड रो से तुम क्या कॉमन निकालोगे x इनटू x माइनस वन कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है। देखो पहले सेकंड रो से x निकाल रहे हो, थर्ड रो से x माइनस वन, x इनटू x वन, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया 1x x प्लस वन, 2x माइनस वन x प्लस वन, 3x माइनस टू और x प्लस, ये बचेगा। अच्छा ये देखो अब तुम एक चीज देखो, अब तुम ऑपरेशन कौन सा लगा देना, c2 में c1 ऐड करो, करना एक बार, ये तो एज इट इज है, ये हो जाएगा x प्लस वन, ये हो जाएगा x प्लस वन, ये हो जाएगा x प्लस वन, दो कॉलम आपके सेम आगे, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जीरो, जीरो, ठीक है, तुम्हें आगे सॉल्व करने की जरूरत है, छोटा ही क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट बताओ, मैंने इसमें d1 इज इक्वल टू 0 कर दिया था तो टू ऑप्शन आया था, हाँ वो भी कर सकते हो, एक और ऑप्शन भी है, देखो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करो, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये, तुम देख लो कौन सी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, 5pq + 2q - r करोगे तो जीरो आना चाहिए, तुम अप्लाई करके देख लो। हरलीन आप कौन सा ऑप्शन बता रहे हो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन सेकंड ही आ रहा है, 5p - 2q - r = 0, एक बार करना सॉल्व, p की वैल्यू ये है तो इसको 5 टाइम करो, x + 2y - 3z - 2, q की वैल्यू क्या है 2x + 6y - 11z - r, तो -x + 2y - 7z, सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है, जीरो आना चाहिए, जीरो ही आएगा वैसे दिख रहा है, तुम कभी कर लो, इसमें हम आ रहा है जीरो ही आ रहा है। यस मैम जीरो, यस मैम, हाँ शिवा बेटा मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आ रही हूँ, जीरो आ रहा है ना, तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये
अदरवाइज तुम्हें क्रैमर रूल और ये सब तो पता ही है वहां से कर लेना, बट इस क्वेश्चन में अब क्रैमर रूल लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करना। नेक्स्ट बताओ, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में कराया था 19 का 2। मैम इसमें d इज नॉट इक्वल टू 0 करके सेकंड ऑप्शन आया, इसने बोला यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब d नॉट इक्वल टू 0, तो तुम क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकाल लेना 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। तुम यहां से सॉल्व करोगे तो तुम्हें लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है? तो वहां से आप सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना, मतलब इसको नॉट इक्वल टू 0 रख देना, पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू कौन सी नहीं रख सकते तुम, उस इक्वेशन से ही पूरा आंसर हो जाएगा क्या मैम? हाँ बेटा, ओके ओके ओके। ये बाकी मैंने क्लास में भी कराया था, सेम क्वेश्चन है, बस ये दो नेक्स्ट पार्ट मैंने तुम्हें नहीं कराए थे, वो एक ही पार्ट था क्लास वाले क्वेश्चन में। अब इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, इसके लिए क्या करोगे, तुम्हें ये तो पता चल गया डी इक्वल टू जीरो आएगा, डी वन निकालना, डी टू निकालना, डी थ्री निकालना, फिर चेक कर लेना कौन सी लैम्डा म्यू के लिए वो आपको जीरो दे रहा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तभी होते हैं ना, सब जीरो हो जाता है, ठीक है? तो तुम सारे निकालोगे, उसके बाद तुम चेक कर लेना कौन सी लैम्डा की वैल्यू के लिए या म्यू की वैल्यू के लिए सारे जीरो बन, क्लियर है? थर्ड में क्या है, डी और डी थ्री से नहीं चेक कर सकते सेकंड ऑप्शन का? हाँ दो से भी हो जाएगा, चल जाएगा, पता ठीक है। 21st बताओ, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, अब इसमें डी तो जीरो होगा ही, कर देंगे बस, बाकी सब नॉन जीरो। हाँ कोई एक तुम चेक कर लेना जो मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, डी वन डी टू डी थ्री चेक कर लेना कौन सी वैल्यू पे वो नॉन जीरो बन रहा है वो आपका। मैम सेकंड, तो एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराए हैं वैसे तुम्हें क्या। नेक्स्ट बताओ मैम, इसका फर्स्ट है 33 बाय 2, 22nd ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ k4 इज अ सेट ऑफ इक्वेशन, दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा पहली बात तो d इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सा सेट ऑफ इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, होमोजेनियस, होमोजेनियस क्या है, 0 0 0 है, होमोजेनियस दे रखा है, नॉन ट्रिवियल की बात है, मैंने तुम्हें बताया था ऐसा केस आ जाएगा, d 0 कर दे, 0 कर देना, जैसे ही d 0 करोगे k की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है? यस मैम। उससे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन, अच्छा ये फिर होमोजेनियस वाला केस हो गया, ठीक है? होमोजेनियस वाले केस में नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, देखो इसने थोड़ा तरीका बदल दिया, ट्रिवियल में तो सारे ही जीरो के इक्वल आ जाते हैं, तो ट्रिवियल चाहिए मैम, नॉन ट्रिवियल चाहिए, कौन सा, नॉन ट्रिवियल, तो बात वही है, इसने यहाँ मेंशन कर दिया नॉन ट्रिवियल, नीचे बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब चाहिए तो इसको अभी भी नॉन ट्रिवियल ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसमें भी, तुम डी इज इक्वल टू 0, ठीक है? नेक्स्ट वाला किया ट्राई, थोड़ा बड़ा है, किया है क्या ट्राई तुमने, करो एक बार कॉपी, डाउट था, करो एक बार कॉपी दे मुझे, ये बताओ पहुंचे कहां तक हो, फिर उसके आगे से स्टार्ट कराऊंगी। पहले तो क्या करोगे, देखो मैं बता देती हूँ, तुम ऑपरेशन लगा लेना, ये बनेगा क्या, एक मिनट, 1 3 7 -1 4 7 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा और 2, ठीक है? तुम क्या करना, इन दोनों को ऐड कर लेना, जैसे ही तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 0 7 14 -1 4 7 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा और 2 बनेगा। अब तुम ऊपर से कॉमन ले सकते हो 7, यस मैम, तुम 7 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बन गया आपका 1 और 2। अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा मन है तो करके देख लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, अब तुम इसको खाली एक्सपेंड ही करोगे, करो एक बार एक्सपेंड फटाफट, मेरे को एक्सपेंड करके एक सिंप्लीफाइड आंसर बताओ। इसको नहीं लेकिन पहले वाले को सिंप्लीफाई किया था, उसको बता दो पहले वाले को मैम, मतलब जो इक्वेशन थी ना बनी हुई, इसी को सिंप्लीफाई किया था, तो मेरा साइन 3 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बराबर 2/7 आया था। अच्छा आपने क्या किया, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, जैसे तुम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे वैसे? नहीं मैम, ये नॉर्मल डिटरमिनेंट ही निकाला इसी से। अच्छा मतलब तुमने ऑपरेशन नहीं लगाया, तुमने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया? यस मैम।
नहीं, पर तुम अपना काम आसान करा करो ना, फिर फायदा क्या हुआ ऑपरेशन सीखने का? जहाँ जीरो बन रहा बनाओ, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी हल्की पड़ेगी उससे। एक्सपेंड तो कर लोगे यशवीर, उससे भी आ जाएगा बेटा आंसर, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करा करो कि डिटरमिनेंट्स अगर आपको दिए जा रहे हैं तो हाथ नहीं बैठा है ना अभी, बैठाओ ना, बैठाओगे तभी तो आदत बनेगी। बताओ भाई, तुम्हारा वेट कर रही हूं मैं सिंपलीफाइड आंसर का। मैम एक क्वेश्चन आ रही है, 2 - 2 cos 2 theta - sin 3 theta। क्या आ रही है, एक मिनट। टू माइनस टू कॉस थीटा माइनस साइन थ्री थीटा, कॉस टू थीटा आएगा ना अंजलि, टू थीटा माइनस साइन थ्री थीटा, और बाहर तुम्हारा सेवन है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, साइन थ्री थीटा की वैल्यू डाल दो। साइन थ्री थीटा की वैल्यू क्या होती है? थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। यही होती है। cos 2 थीटा को भी तुम कुछ लिख सकते हो क्या? 1 माइनस, अब तो सारा 2 sin स्क्वायर थीटा, हां सारा sin में कन्वर्ट कर लो, फायदे में रहोगे। 2 अच्छा 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 अंजलि। हाँ बेटा है तो ऐसा ही, सुरीली आवाज है। अब इसको सॉल्व करो, बताओ बताओ इसमें से फिर तुम क्या कॉमन ले लेना। करो एक बार सिंपलीफाई करो। मैम वहां पे माइनस फोर साइन क्यूब थीटा होगा ना? कहाँ पर बेटा? मैं जो एक्सपेंड करा साइन थीटा को, जहाँ पे एक्सपेंड किया है साइन थ्री थीटा को मैंने लिखा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, लेकिन एक बार माइनस था तो मैंने ओपन कर दिया ना। ओके मैम, यस मैम। नहीं अंजलि वो तारीफ कर रहा था, इसे सुनी पहली बार होगी इतनी सुरीली आवाज। मैम कभी कभी तो लगता है कि कोई बच्चा ही सही में कोई बच्चा बोल रहा है, क्या कर सकते हैं उसमें। करना क्या है मैं? करना क्या? क्या है, क्या करूँ मैम? लगता है कि बड़ों की क्लास में बच्चा कहाँ से घुस गया। कॉम्प्लीमेंट अंजलि बेटा ये। मैम एक बच्चा ही आंसर करता है, बाकी बच्चे तो चुप ही रहते हैं। हाँ ठीक बात है अमित, तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है बेटा ये। 14 सॉल्व करो ना तुम इसको, सारा मेरे से करवाओगे, शीट में किचपिच होने वाली है। मतलब 7 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, साइन थीटा कॉमन लेना फिर बचे हुए पार्ट से। तुमने मुझे इक्वेशन ठीक बताइए ना, 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा माइनस 3 साइन। मैं आंसर का वेट कर रही हूँ, तुम आंसर बता सकते हो अब। इसका आंसर ए है क्या? आंसर टू सेकंड है बेटा, दो आंसर आए। सॉरी मैम, वो गलती से मैंने 23 का आंसर बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ, इसने हम कहाँ लगे, इसने बोला था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल कब होता है? जब इक्वल्स टू 0, तो 7 को तो दूर ही ले जाओ, 0 कर दो 7 को तो। मैम से हाँ 7 को 0 को।
मैम टू वैल्यूज आ रही हैं साइन थीटा की. हाँ कौन सी आ रही हैं? मैम जीरो और माइनस वन बाय फोर. जीरो और माइनस वन बाय फोर. माइनस वन बाय फोर. बाकी मैम फाइव बाय ट्वेंटी एट और टू बाय सेवन. प्रणव बेटा आपने सॉल्व कर लिया? नहीं मैम बताने क्यों आज लेजी लेजी सा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है. अच्छा मतलब तुमने सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है? नहीं मैम कर रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे कर रहा हूँ थोड़ा. देखो मैं ये सॉल्व आगे कराऊंगी नहीं. तुम्हें ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है इज इक्वल्स टू 0 है मतलब राइट. डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. ये तुम डिटरमिनेंट का निकाल रहे हो. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में डी की वैल्यू 0 होती है. तो तुम इसको सॉल्व कर लो. इसको ओपन करोगे तो 2 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन माइनस 3 साइन थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना वहां पे. मोमेंट तो 2 है. साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां पे. 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना वहां. माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना. मोमेंट तो 2 आएगा. माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखा है प्रणव बेटा. 2 थीटा लिखा है मैम. 1 माइनस 2 साइन थीटा होता है. 2 साइन स्क्वायर थीटा. मैम कॉस थीटा की वैल्यू खोलने के बाद. यस मैम एक्जेक्टली. साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा मैम. 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना. यहां कह रहे हो क्या? यस मैम. यस मैम. नीचे भी उसके बाद दो वैल्यू 0 और माइनस 1 आ रही है. ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0. ये तो 1 ही बच जाएगा. ठीक है यहाँ से तुम कर लोगे ना सॉल्व. साइन थीटा कॉमन ले लेना हो जाएगा अब तो सॉल्व. यस मैम. हाँ तो भरते ही नहीं है. वैसे तो तुम्हें खुद करना चाहिए था ये. हाँ बेटा बोलो. मैम आंसर 2 है. आंसर 2 है. ओके मैम आ गया. 25th बताओ. मैम इसका सेकंड ऑप्शन है. 25th का सेकंड ऑप्शन कैसे किया? इसने बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है. डिटरमिनेंट लो. डिटरमिनेंट को की वैल्यू 0 के इक्वल रखो. फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है. इसमें बस एक स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है. क्या? तुम जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो तुम पहुंच जाओगे वहां पर लास्ट में 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से क्या कर देना डिवाइड कर देना. ठीक है? यस मैम. क्लियर है? कर लोगे? सिंपल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन. नेक्स्ट बताओ. फोर्थ ऑप्शन है गेस का. यस मैम फोर्थ. फोर्थ ऑप्शन है. तुम्हें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है. ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. ठीक है? यस मैम. तो इन दोनों को ऐड करके ये बोल रहा है नॉट इक्वल्स टू 0. ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है. ठीक है? तो करेक्ट फोर्थ ही हो गया आपका. ठीक है भाई. डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही होता है. तो ये दोनों चीजें आपकी नॉट इक्वल्स टू 0 आएंगी जब ऐड करोगे. तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? 3 है. ठीक है? नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट वाला आसान है. तुम कर लोगे. 28th भी कर लोगे. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है. डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है. ये तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट. 10 आ जाएगा इसका. यस 10 है. तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो निकाल लेना. ये प्रॉपर्टी यूज करनी है. उससे नेक्स्ट मतलब ये इसकी बात कर रहा है. ठीक है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. अब ये फिर वही प्रॉपर्टी है. Yes, ma'am, determinant of A into I. ठीक है? तो यहाँ से निकाल लोगे ना डिटरमिनेंट ऑफ ए. निकालो कितना आएगा? 8 आएगा. इसका डिटरमिनेंट तुम्हें पता है. डायगोनल एलिमेंट्स को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो. ठीक है? नेक्स्ट बताओ. ए भी दे रखा है और ये दे रखा है.
और ये बताना है इसका फोर्थ ऑप्शन। अभी पैटर्न फॉलो हो रहा था एंड फोर्थ ऑप्शन है। क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था ये वाला मैट्रिक्स कभी भी मिल जाए तो इसकी कितनी ही पावर कर दें तो एक पैटर्न बनता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मान लो इसकी 2 पावर कर दी तो 101 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3। 1 प्लस 2 3। 1 प्लस 2 3 हो रहा था या 2 आएगा? हम 3 आएगा। नहीं हाँ 3 आएगा बेटा, 1 प्लस 2 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है? स्क्वायर कर रहे तो ये आ रहा है, जब क्यूब करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, राइट? 6 आ जाएगा। 4 करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा। नीचे वाले तीन नंबर्स आपके सेम रहने। अब इसने बोला a की पावर 10 करो तो इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग क्या कर देंगे, 101 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 55। हाँ 55, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ a 10। अब एडजॉइंट क्या निकाल लो, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 0 माइनस 55 और 1 1। ये दोनों ऐड कर देना, इक्वल टू b रख देना, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 आ जाएगा। यस मैम, कर लोगे ना? अब तो ऐसा कोई है बट मेरा तो कुछ अलग ही आया था हमारा। ये की पावर 10 55 तो उसमें नहीं आया, थोड़ा कैसा है a की पावर 10। बेटा एक बार a स्क्वायर निकालो मैम, 1 2 और 1 आ रहा है। नहीं बेटा वो तो ऑप्शन में नहीं, मैं कह रही हूँ आप जिसको ए की पावर ए स्क्वायर 1 2 और 0 1 आएगा। यस मैम, 1 2 और 0 1। यस मैम। प्रणव तुमने मेरे को ये 3 आई थिंक एक मिनट को 1 0 1 1 मैम 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा ना? Yes, जितनी पावर कर रहे हो उतना आ जाता है। Yes, ma'am. तो देखो जितनी पावर की a स्क्वायर किया तो ये बनेगा 1012, a क्यूब किया तो ये बनेगा 1013। ठीक है, अगर a की पावर 10 करोगे तो ये बनेगा 10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 10। अब सॉल्व करो इसको, 10 100 0 10 प्लस में 1 माइनस 10 0 1 कितना बन गया ये 11 90 0 और 10 प्लस 1 11। ये किसके इक्वल है? b के इक्वल। और b क्या है? b1 b2 b3 b4। यहां से कंपेयर कर लो, b1 की वैल्यू कितनी है 11, b2 की वैल्यू है 90, b3 की वैल्यू है 0 और b4 की वैल्यू है कितनी 11। इन सबको ऐड कर लो कितना आ रहा है आंसर 112। क्लियर है? नेक्स्ट वाला बताओ 31st। मैम थर्ड ऑप्शन, हम इसमें डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, इसका मतलब मान लो सपोज ये ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉन इनवर्टिबल का मतलब यही होता है। नहीं रुको, इज इक्वल टू 0 होता होगा ना, वो तो इनवर्टिबल का केस हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कब होता है? जब मैट्रिक्स आपका इनवर्टिबल होता है। तो ये इक्वल टू 0 करते ही आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे? ये ऑप्शन आ रहा होगा आपका, एबीसी क्या आ रहा है? एबीसी आर इन जीपी। यस मैम। 30 सेकंड बताओ मैम, माइनस 1 मैम, फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है? सच दैट ए बी इज इक्वल, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, डिटरमिनेंट ले ले। यस मैम, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी। अच्छा ए की वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी माइनस 2 है तो ये तो बी की वैल्यू माइनस 1 आ गई, आसान था। yes, चलो भाई नेक्स्ट चलो। मेरा 33 का 1 आया था। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई भी डिटरमिनेंट मान लेना, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेना, उसका डिटरमिनेंट निकालना और चेक कर लेना इनमें से कंडीशन कौन सी आपकी ठीक बैठ रही है। मैम कोफैक्टर का मैट्रिक्स तो एक तरह से एडजॉइंट का ट्रांसपोज ही हो गया। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए की तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट। हाँ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, या तो वैसे कर लेना, अगर वैसे नहीं समझ आता तो इसको सिंपल आप लेके कर लेना सॉल्व, दोनों तरीकों से हो जाएगा। 34th बताओ, ये तो मुझे बताने की जरूरत है, इनवर्स निकालना है, हो जाएगा ये तो? यस मैम, यस मैम, इनवर्स निकालना, और ये भी बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें भी हो जाएगा मैम, इसका भी आया था।
36 बताओ, ये बोल रहा है BC is not equal to 0 और ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने क्या पढ़ा है, सेटिस्फाई करता है तो a square plus ki is equal to null matrix, ऐसे ही बनेगा, ठीक है? निकालो एक बार इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, a square plus ऑप्शन आ रहा था, आ गया था सबका, a square निकालो, ki तो क्या ही हो जाएगा, k k 0 0, a square बताओ कितना आएगा, हम a square plus bc, ad plus bd and नीचे ac plus cd and bc plus d square. Yes ma'am, यही आ रहा मेरा भी. T into में a plus d, d square plus d plus a square. ठीक है? और इसको आप add कर रहे हो. Is equals to null matrix है. यहाँ से तुम्हें क्या पता चला? भाई ऐड करोगे तो b into a plus d ही होएगा यहाँ, तो चलो ऐड करके लिख लो, a plus में a square plus bc, b into में a plus d, c into में a plus d, और ये क्या हो गया a plus b square plus d is equals to null matrix. यहाँ से क्या पता चल रहा है, null matrix 0 0 0, तो इसका मतलब b into में a plus d 0 होगा और c into में a plus d 0 होगा. अब इसने बोल दिया BC not equals to 0 है, इसका मतलब B और C नॉन जीरो नंबर्स हैं, भाई इन दोनों में से कोई भी एक जीरो हो गया, और या दोनों जीरो हो गए तो आंसर तो जीरो आएगा, दोनों इसने नॉन जीरो बोला मतलब ये तो जीरो नहीं है, B जीरो नहीं है, इसका मतलब A plus D जीरो के इक्वल है, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस D, ठीक है? अब डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होएगा, AD माइनस BC. यहां से देखो, यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, जब तुम कंपेयर करोगे तो k प्लस t स्क्वायर प्लस bc किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस t स्क्वायर माइनस bc, ठीक है? a की वैल्यू माइनस d की इक्वल आई, यहां पुट करना एक बार, माइनस d स्क्वायर माइनस bc, इसका मतलब हो गया ना ये इक्वेट, हो गया कि नहीं हो गया, अरे ये डेटरमिनेंट की वैल्यू थी मेरी, डेटरमिनेंट की वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, डी की ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर माइनस डी, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस बी सी है मेरा डेटरमिनेंट की वैल्यू, के की वैल्यू भी मेरी यही है, इसका मतलब के किसके इक्वल है आपका, डेटरमिनेंट ऑफ ए के, ठीक है? एक बार जेई वाले क्वेश्चन पे आओ फटाफट, देखो यहाँ ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके, ये तो तुम सबने कर लिया होगा, C5 तो सबका हो गया होगा, यस मैम, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, C6 बताओ किसने किया है और कैसे किया है, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, m be a two cross two symmetric matrix with integer entries then m is invertible if, m invertible कब होएगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ m तुम कैसे लिखते हो, लिख सकती हूँ ऐसे, yes, ma'am. पहला क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ m इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ m, फर्स्ट कॉलम ऑफ m ये है, ठीक है? Is the transpose of second row of M. मतलब second row of M क्या है? BD. इसका transpose के equal है ये. यही बोल रहा है. यहाँ से तुम क्या निकालोगे भाई? इसका transpose कर दो. यही आएगा. इसका मतलब तो क्या हो गया? A is equals to B, B is equals to D. यही हो गया? Yes ma'am. अच्छा ये तो सारे equal होगे? Yes ma'am. सारे equal होगे तो मेरे को एक बात बताओ. ऊपर जो तुमने मैट्रिक्स एम माना था इसमें जब तुम डिटरमिनेंट निकालोगे सब इक्वल हो गया तो ये तो डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो ये तो गलत हो गया ना इनवर्टिबल नहीं आएगा इस केस में सेकंड ऑप्शन बताओ द सेकंड रो ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ एम बताना इसमें इसमें भी सेम ही केस बनेगा
नहीं आएगा, इसमें भी जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, थर्ड देखो, m इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब भाई, मान लो क्या कह रहे हो प्रणव, इसमें ये हो सकता है करेक्ट ऑप्शन भाई, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा ही कुछ होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, एडी। एडी अब इसने क्या बोला है, नॉन जीरो एंट्रीज है, मतलब ए और डी जो है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिटरमिनेंट आपका निकलेगा, दैट मींस ये इनवर्टिबल है। लास्ट और देखो एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्या बोलना चाह रहा है, एम आपने ये माना था, क्या था इसके अकॉर्डिंग, ए डी माइनस डी स्क्वायर आपका डिटरमिनेंट निकलता, राइट, यही निकलता। अब ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट है एंट्रीज का मेन डायगोनल वाली, कौन सी है मेन डायगोनल की, ए और डी, प्रोडक्ट क्या हो गया, ए डी, वो किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसमें से अगर मैं बी स्क्वायर माइनस करूंगी, मान लो कोई भी इंटीजर उसका स्क्वायर कर रखा है, बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कभी जीरो आएगा कभी नहीं। मैम तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट करो ट्राई, सेवन, सी सेवन भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या दे रखा है आपको, m is not equals to n square, इसका मतलब m minus n square not equals to zero, यहाँ से तो तुम्हें बात पता चल गई, यहाँ से क्या पता चल रहा है, m square minus n four is equals to null matrix। Yes। ठीक है, अब यहाँ तुम आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसने बोला है ये कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, सही है। अब तुमने ये बता दिया क्या कि m माइनस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ये पक्के से जीरो होगा, नहीं देखो जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो, दोनों केस लेके चल सकते हो आप, भाई आपने ये केस भी पढ़ा था ना कि अगर क्या पढ़ा था आपने, देखो एक रिजल्ट है डायरेक्टली याद कर लो, अगर ab इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, मतलब नल मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो ए एंड बी आपके क्या होंगे, सिंगुलर मैट्रिसेस, इसको नोट कर लो, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट अगर आपको नल मैट्रिक्स दिख रहा है तो आप कंक्लूड कर देना ए एंड बी क्या होंगे आपके, सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे, मतलब उनका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एम प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यस मैम। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m into m plus mn square, sorry, n square, m plus n square, ठीक है, तुमने बोल दिया क्या, ये इसकी डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, तो तुम डिटरमिनेंट ले लो, अब डिटरमिनेंट लोगे तो कैसे आएगा, ऐसे ही आ जाएगा। yes, ma'am. अभी अभी तुमने बता दिया इसकी वैल्यू जीरो है, ये जीरो है तो मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड वाला बताओ, देयर इज अ 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट दिस इज द जीरो मैट्रिक्स, अगर हम m कॉमन ले ले तो m प्लस n स्क्वायर तो वैसे भी जीरो ही है। हाँ जीरो है, तो तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो वहां से कि u की कितने भी वैल्यूज ले सकती हूं मैं, जीरो इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकती हूँ ना, मुझे जीरो LHS RHS में मिल रहा है, मैं U को कुछ भी ले लूँ क्या फर्क पड़ता है, जीरो तो मेरा आएगा ही पक्के से। yes, तो मैं U को कुछ भी ले सकती हूँ, इसने बोला है देयर इज अ 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U एग्जिस्ट करता है, वैसे तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसने बोला एक एग्जिस्ट करता है, तो उस हिसाब से तो एक गलत मैम, मैं डिटरमिनेंट हुआ ना जीरो, तो मैम मैट्रिक्स थोड़ी ना हुआ जीरो मैट्रिक्स, तो बेटा जीरो को मल्टीप्लाई करोगे यू में तो जीरो ही बनेगा मैम, बट मैम जो एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है मैम, उसका डिटरमिनेंट जीरो दिया हुआ है ना, वो नल मैट्रिक्स है, ऐसा तो नहीं निकाला हमने, पर प्रूफ भी कर रखा है एम प्लस एन स्क्वायर जीरो है मैम, उसका डिटरमिनेंट, यहाँ से हमने ये भी तो कंक्लूड किया था ना कि ये भी जीरो है,
थर्ड वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो तुमने जीरो के इक्वल दिखाया था, ये गलत हो गया। और फोर्थ वाला बताओ, ये बोल रहा है फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स यू इफ दिस इक्वल्स द जीरो मैट्रिक्स देन यू इज द जीरो मैट्रिक्स। क्या जरूरी है, आपका तो जीरो वैसे भी आ रहा था, इसमें ऐसी कोई कंडीशन तो थी नहीं कि भाई यू जीरो ही होना चाहिए, यू तो कुछ भी हो सकता है। ये वाला भी आपका क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा सही हुआ गलत हुआ? सेकंड वाला बेटा प्रणव एक बार इसमें नीचे आंसर चेक कर लेना, इसने अ मतलब एक एक का लिखा हुआ है कि भाई एक एग्जिस्ट करता है, अपने इनफाइनाइट आंसर्स आए। अब मुझे नहीं पता इसने आंसर किस तरीके से दे रखा है, चेक कर लेना। एक तो है ही, अपना इनफाइनाइट आंसर आ रहा है तो एक तो है ही। अगर मान लो ये यू कहना चाह रहा है कि भाई एक ही एग्जिस्ट करता है तो उस केस में गलत हो जाएगा ना, ठीक है। बाकी वो तुम्हें आंसर से पता चल जाएगा। सी एट देखो, ये मैंने क्लास में करा दिया था, और सी नाइन भी मैंने तुम्हें क्लास में करा दिया था, ठीक है। ये दोनों मैंने तुम्हें क्लास में करा दिए थे। नेक्स्ट पे चलो, बताओ भाई फर्स्ट पार्ट। आसान है ये वाला, बोलो। इसमें हम एक बार सॉल्व कर लें। बेटा बाकी बच्चों को समझ आ रहा है क्या? आगे गए बच्चे, आगे मैम भी ट्राई नहीं किया तो थोड़ा वो करना पड़ा। मिराज बेटा कल बोला था ना आपको ग्रुप में, मैसेज किया था हर्षित सर ने कि ट्राई करके आओ। बाकी कोई नहीं, अब हिंट्स देने की बात तो हो ही जाएंगे, ये हिंट्स देने की बात प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप ए बी इज इक्वल्स टू बी ए रखो, ठीक है, रखो एक बार ए बी इज इक्वल्स टू बी ए रखो। जब ए बी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आई थिंक बी है, और बी ए क्या आ रहा है? ए टू ए थ्री ए, ये कितना आ रहा है? टू बी है, थ्री है। बी ए कैलकुलेट करके बताना भाई कितना आ रहा है तुम्हारा। मैम ए टू ए थ्री बी फोर बी, मैम मेरा भी यही आ रहा है। यहाँ से इक्वेट करोगे तो बी की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, यही आ रहा है। तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो तुम, क्या लिमिटेशन है इस पे? नेचुरल नंबर्स में 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 4 4 5 5 6 6 कितने मैट्रिसेस बना सकते हो ऐसे? बहुत सारे बना सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। सेकंड बताओ, सेकंड भी तुम कर चुके हो। भाई ये आइडेंटिटी लागू ही कब होती है? जब ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें क्लास में करा दिया था, कैसे कराया था? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस 5। तुम इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, इक्वेट कर दो। क्लास में करा दिया था, आई थिंक इसका 1/5 आंसर आया था अपना। 1/5 आया था मैम, मैं भी आया था। नेक्स्ट बताओ, इसमें भी तुम्हें एक्सपेंड करना है भाई। 1 1 1 दिख रहा है, C1 में C2 माइनस कर देना और C2 में C3 माइनस कर देना, उसके बाद डिटरमिनेंट ओपन कर लेना, ठीक है? कर लोगी? आसान है? Yes, ma'am. ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो जाके आंसर तुम्हारा ये आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? डिविजिबल बाय बोथ x एंड y, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, लेट ए बी सी एनी रियल नंबर, सपोज देयर आर रियल नंबर्स x y z। अच्छा, इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू। इस बात से तुम्हें क्या पता चल रहा है? तो तुम क्या करना? ठीक है, ये वाली कंडीशन करके जब तुम सॉल्व करोगे तुम यही पहुंच जाओगे, ठीक है।
एक बार ना इसको थोड़ा तरीके से लिख लेना, देखो इन्होंने प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, वाई अकेला छोड़ दिया वो इधर, तुम सब एक तरफ लिख लेना, सब एक तरफ करोगे तो लेफ्ट पार्ट में जीरो 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 बचेगा, तुम्हें समझ आ जाएगा ये होमोजेनस का केस है। होमोजेनस में इसने बोला है सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब नॉन ट्रिवियल वाला केस है, डिटरमिनेंट को जीरो पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, कर लोगे? ठीक है, यस मैम। सेवेंथ ट्राई करो एक बार। देखो सिक्स बहुत आसान है, सिक्स भी कर लेंगे। चलो तुम ए यहाँ पर देखो कंडीशन दे रही है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, जब तुम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई रखोगे, मतलब ए स्क्वायर सॉल्व करोगे ना, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस में सी डी और बी सी प्लस में डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है इसने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, क्या पता चला? कंपेयर कर लेंगे वहां से ए बी सी डी के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। देखो कंपेयर करोगे तो कंपेयर भी क्या ही करोगे, आपका मैट्रिक्स है यहाँ से ना, तुम क्या करना मैम, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ये तो डिटरमिनेंट ले सकते दोनों साइड। हाँ ले तो सकते हैं अंजलि, वो तो ठीक बात है, जब तक ए बी सी डी में कुछ चेंजेस नहीं करोगे वो कैसे फायदा करेगा। क्या करोगे बताओ? अच्छा यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू वन आएगा, राइट? यही चीज है मैम। एक मिनट एक मिनट, ए की वैल्यू क्या निकालोगे, वन माइनस बी सी का रूट, ठीक है, यही निकलेगा? यस मैम। और डी की वैल्यू भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हो, देखना एक बार, बी सी प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू वन है तो यहां से डी निकलेगा क्या, वन माइनस बी, यही निकलेगा? यस मैम यही निकलेगा, मतलब ए और डी इक्वल होंगे, तो यहाँ से इनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। करना एक बार ट्राई, आ तो जाना चाहिए। वन आएगा ना उस हिसाब से, तो वन आएगा तुम्हारा आंसर, माइनस वन दे माइनस बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, और मैम ये तो तभी पॉसिबल है ना जब डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन हो। हाँ ठीक है प्रणव, तुम्हारा तरीका ठीक है, मेरे वाले में बताओ मैंने क्या कर दिया। अब हम सेम ले रहे हैं तो हमारा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इसे तो मना मतलब अच्छा इसे मैट्रिक्स के लिए बना दिया, डिटरमिनेंट पाई सकता है, इससे तो वन आ रहा है, इससे भी ठीक आना चाहिए आंसर तो अपना। अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं देखना एक बार, तो अपना आंसर ठीक आएगा, वन माइनस बी सी, बी सी और माइनस अंडर रूट वन माइनस बी, यही फर्क पड़ेगा मल्टीप्लाई वन। अच्छा देखो ऐसे आ रहा है माइनस, बट इन्होंने माइनस क्यों लिया भाई, कोई खास वजह? कोई इनपुट दे सकते हो आप लोग इसमें,
आ तो गया अपना आंसर, बट यहाँ माइनस लेके आ रहा है। और इस हिसाब से आपका ट्रेस भी जीरो के इक्वल आ रहा है। ये स्टेटमेंट तो वैसे भी फॉल्स, ट्रेस आपका जीरो के इक्वल है, ठीक है। और फर्स्ट आपका करेक्ट है जब आप माइनस अंडर रूट वन माइनस बी सी वैल्यू, ठीक है, इस पे आ रहा है, बट ये माइनस क्यों ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार के लिए तुम खुद ट्राई करके देखना, आंसर तो अपना आ गया, थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ हो गया। ओके मैम, नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट। तो आई थिंक मैंने तुम्हें क्लास में करा रखा है। नेक्स्ट तो मैंने क्लास में करा रखा है तुम लोगों को, कौन सा था स्टेटमेंट वन? प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने करा रखा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट करो, देखो ये ना, हाँ नाइन्थ वाला, इसमें ना क्या है कि ये बस थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। इसको तुम्हें रोज और कॉलम्स को चेंज करके इस तरीके से लिखना है कि हम ऐड करें तो हमारा आंसर जीरो आए, जब एन क्या हो, चेंज करो इसको एक बार। मेरे को ये पहली रो में चाहिए, अच्छा। तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब तुम डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज लेते हो तो फर्क पड़ता है, माइनस आ जाएगा। नहीं अंजलि, ट्रांसपोज से कहां नहीं मैम, नहीं पड़ता फर्क। हाँ तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, सपोज और मैं इसका ट्रांसपोज, देखना मैं कैसे लिख रही हूँ, एक बार ध्यान से देखना। माइनस वन एन प्लस टू इंटू में ए, फिर लिखोगे आप ए प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, ए माइनस वन बी माइनस वन और सी प्लस, ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? मैंने रोज और कॉलम्स को भी बदल दिया भाई, डेटरमिनेंट में आप रोज कॉलम बदल रहे हो, डेटरमिनेंट तो सेम रहता है, मतलब ऐसा नहीं कर रही मैं। अगर मान लो डेटरमिनेंट में फर्क कब आता है, जब दो कॉलम्स को चेंज कर रहे हो तो एक माइनस के साइन का फर्क आएगा, या दो रो को चेंज कर रहे हो तो एक माइनस के साइन का फर्क आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन yes. आपने दो चेंज कर दी तो वो माइनस माइनस इफेक्ट जो है कैंसिल ही हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा? yes, ma'am. ठीक है, उस वजह से फर्क नहीं आया। अब मैंने इसको लिखा क्यों है ऐसे, अब एक बार इसको ऐड करना, देखो जब तुम ऐड करोगे इसको और इसको ऐड करोगे क्या बनेगा अंदर, ए प्लस माइनस वन एन प्लस टू ए, यही बनेगा, ठीक है। इस वाले को और इस वाले को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बी प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू बी, इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, सी प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस, ये क्या लिखा हुआ मैंने, सी माइनस वन की पावर एन सी, इतने का ही काम है मेरे को, बाकी ऐड करके देखना ही नहीं। ये बोल रहा है कि ये तुम ऐड करो ना, जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो ये जीरो के इक्वल कब आएगा, जब एन की वैल्यू, ऑड, हाँ ऑड पे आपका जीरो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है, ऑड पे आ रहा है, इवन पे आ रहा है, जैसे एन की वैल्यू ऑड ले लोगे तो बन जाएगी तुम्हारी बात। यहाँ पर माइनस लगा लेना, अगर माइनस है तो माइनस भी आएगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू ऑड का है, ऑड पे आपका ये, अब एक आपका पूरा कॉलम जीरो बन गया तो पक्के से उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट ट्राई करोगे, द नंबर ऑफ थ्री क्रॉस, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ थ्री क्रॉस थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद फोर एंट्रीज इज वन एंड ऑल अदर एंट्रीज इज जीरो, फोर एंट्रीज वन है। पहले हम एक बार थ्री पे चलते हैं, थ्री एंट्रीज वन और बाकी सारी जीरो,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, एक बात समझ पा रहे हो? नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। yes. अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो पूरी की पूरी जीरो हो गई तो वो आंसर जीरो देगा। yes, ma'am. इसका मतलब वो सिंगुलर की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें इतना तो ध्यान रखना है कि जो भी मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी हर रो में एक वन होना चाहिए। एग्री करते हो? अगर मैंने एक भी वन नहीं लिया, रो में सारे ही जीरो ले लिए तीनों के तीनों, तो मेरा डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, yes, तो आपकी कंडीशन क्या बनी? देखो, मान लिया भाई मैंने यहाँ जीरो जीरो ले लिया, एक तो यही ले लेते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसमें चेंजेस करते रहते हैं भाई। अगर यहाँ वन है, मान लो ये बीच वाले में होता वन, ये होता आपका जीरो वन जीरो, ठीक है। तो जब आप डिटरमिनेंट निकालते तो इसके अलोंग निकालते ना, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ मैम, फिर फर्स्ट कॉलम में जीरो आ जाता ना, सेकंड रो में बताओ, सेकंड रो में वन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हो सकता है? यस मैम। तो मैं एक केस तो ले लेती हूँ, ये वाला, जब यहाँ पे आपका वन है, बाकी कर देती हूँ जीरो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कराना है तो पक्के से मेरे को यहाँ पे वन लेना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, एक केस में। दूसरा केस जब मैं लूंगी जीरो वन जीरो, मैंने इस बार इधर वन ले लिया, जीरो जीरो वन, इस बार मेरे को पक्के से इधर वन लेना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फर्स्ट, ठीक है। अब मान लो मैंने तीसरी पोजिशन पे ले लिया वन, पहले पे तो मैंने ले लिया था, दूसरी पे ले लिया, अब मैं तीसरी पे लेती हूँ, देखना, जीरो जीरो वन, ठीक है। अब वही बात है, तुम्हारा सेकंड रो में जो है वन इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? पहले ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। अगर मान लो मैं इधर वन ले रही हूँ तो मेरे को इधर वन लेना पड़ेगा, तभी तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा ना। यस मैम। ठीक है, हमें तो फोर एंट्रीज वन लेनी है ना, हमें तो थ्री, हाँ फोर एंट्रीज लेनी है प्रणव, अभी आ रही हूँ वहां पे, अभी थ्री। आप थ्री में इतने केसेस बना लोगे, जीरो 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 की जगह आप फिर वन पुट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा आपके कम से कम सात आंसर्स तो बन ही रहे हैं। एक बार रुको, तुम पहले ये बताओ, जीरो जीरो वन, ये यहाँ तक समझ आ गया? yes, अब देखो, यहाँ पर वन लिया है, इस बार मैं यहाँ ले लेती हूँ वन, जीरो वन जीरो, तो इस बार मेरे को यहाँ पर वन क्रिएट करना पड़ेगा, जीरो जीरो, ठीक है। yes, और कोई केस भी बना सकते हो क्या तुम? मैम ऊपर वाली में जो आइडेंटिटी ऐसी बन रही है उसमें वन को, बीच वाले वन को साइड में ले जा सकते हैं और नीचे वाले को बीच में। यस मैम, ये एक केस बन सकता है। हाँ, मुझे समझ नहीं आया, जैसे कि फर्स्ट वाला जो आपने केस बनाया, जो फर्स्ट वाली जो है उसमें, हाँ उसमें मैम जो दो वन है उनको, एक जना बोलो मैम, जो बीच वाला वन है उसको लास्ट पे ले जाएंगे, ठीक है, ले गए, ये लेके गए, और जो जो नीचे वाला वन है उसको बीच में ले जाएंगे। मैम वन ऊपर वाला वहीं पे रहेगा, वो सबसे पहले वाली बनेगा ही नहीं। आप ऐसे बोल रहे हो ना, एक मिनट, आप ऐसे बोल रहे हो इसको मैं यही रखूं और इसको मैं इधर ले जाऊं, ऐसे बोल रहे हो या इधर लिखूं? ये नहीं मैम, ये सबसे ऊपर वाली जिसपे थ्री एंट्रीज से नीचे लिख रखा है, ये वाला इसमें मैं क्या लेके जाऊंगी, इस वन को इधर ले जाऊं, ऐसे बोल रहे हो? yes, नीचे वाले वन को उधर ले जाओ, उधर किधर, सेकंड कॉलम में, थर्ड फर्स्ट में, सेकंड वाले में। तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो वन जीरो 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 वन सेकंड में लेके जाना है ना? यस मैम। यस मैम। जीरो वन जीरो बन रहा है क्या? मैम बन रहा है, माइनस वन बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, यही बनेंगे केसेस, इसके अलावा आई थिंक नहीं बनेंगे। अब एक बात देखो, ये थ्री एंट्रीज के साथ हमने बना लिया, इसने बोला था आपके चार एंट्रीज वन होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जीरो 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 लिखे हुए हैं, इनकी जगह तुम कहीं वन इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसा ही करोगे? यस मैम। तो कितने मैट्रिसेस बना सकते हो? बहुत सारे बना सकते हो, ऑप्शन देखना एक बार, एटलीस्ट सेवन। हाँ तो ऑब्वियसली बात है यही वाला ऑप्शन होगा, समझ आया? एटलीस्ट सेवन तो बना ही लोगे आप, जीरो जीरो की जगह दो तीन जगह, तो छह तो तुमने यही बना लिए, यहाँ पे किसी भी जीरो की जगह वन पुट कर दो, दो भी वन पुट कर दोगे तो तुम्हारे सात तो वैसे ही बन गए, आठ बन गए, ठीक है। तो एटलीस्ट सेवन तो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कर लोगे?
आसान है उससे नेक्स्ट भी इजी है. सिस्टम हैज एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है ये, तो मैंने तुम्हें क्लास में करा रखा है. अब आगे बताओ. आगे ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था याद हो तो. मैम कराया था. इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आई थी. उसमें आप बोल रहे थे कि सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट की. ठीक है नेक्स्ट क्या है. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लीनियर इक्वेशन दिस पजेसेस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन. मतलब पहली बात तो होमोजेनस है. यस मैम. इज इक्वल्स टू 0 कर लोगे. नॉन ट्रिवियल का केस है. हां 15 बताओ. मैथ स्क्वायर एच क्यूब निकालते हैं वहां से कोई ट्रेंड आएगा. ट्रेंड आएगा मैम मतलब वो क्या बोलते हैं. ट्रेंड आएगा समझ गए. ट्रेंड आएगा भी निकालो. ट्रेंड एच स्क्वायर निकालोगे ना तो पता क्या आएगा. ये आएगा तुम्हें क्या पता चल गया. एच 70 निकालोगे तो क्या आएगा. ओमेगा की पावर 70 0 0 ओमेगा पावर 70. अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी वाली. मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था तुम लोगों को. ओमेगा क्यूब 1 होता है. यहाँ पर ओमेगा की पावर 69 तो 1 हो जाएगा. बचेगा क्या. ओमेगा. ओमेगा की पावर 69 1 हो जाएगा. ओमेगा ये किसके इक्वल है. इसके एच. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे. यस सेम है. क्या है इसमें क्या बोला है. ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है. इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन. मतलब इसने क्या बोल दिया. ये बोला इसने इस बार. ठीक है तो डिस्क्रिमिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 पुट करना. वहां से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें के की वैल्यू क्या क्या नहीं लेनी. ठीक है yes, इससे नेक्स्ट भी तुम कर लोगे. एग्जाम्पल लेके कर लेना. बता दूं क्या. देखो ये बोल रहे डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0. पता है तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. तू जब तुम माइनस ए का डिटरमिनेंट लेते हो तो ये पावर बाहर आती है माइनस वन की पावर एन. ऑड ऑर्डर दे रखा है तो माइनस रहेगा. ये वाली भी करेक्ट है. लेकिन इन्होंने तो फॉर एनी मैट्रिक्स बोला है. अच्छा ऑर्डर सेम ही रहेगा. ठीक है ऑर्डर 3 बोला है. मैम ठीक है. 18 बताओ. ए दे रखा है u1 एंड u2 आर कॉलम मैट्रिसेस सच दैट a1 एंड a2 दे रखे हैं. u1 प्लस u2 निकालना. अच्छा एक बात देखो यहां पर a1 दे रखा है a2 दे रखा है. तुम ये निकाल सकते हो 1 0 0. मतलब ये मैट्रिक्स है 0 1 0. क्या आ जाएगा यहाँ से. तुम इसको ऐसे लिख सकते हो a इनटू में u1 प्लस u2 किसके इक्वल आ जाएगा. ये 1 1 0. यस मैम. उसका a से मल्टीप्लाई इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. अब u1 प्लस u2 क्या हो जाएगा. a इनवर्स 1 1 0. a तुम्हें दे रखा है इनवर्स तुम निकाल सकते हो. उसको मल्टीप्लाई कर देना इससे u1 प्लस u2 आ जाएगा. कर लोगे. यस मैम. ठीक है नेक्स्ट देखो 19. ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था. बस उसमें फॉर्मेट ये था a क्यूब इज इक्वल्स टू b क्यूब दे रखा था. a स्क्वायर b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर a दे रखा था. तुमने क्या किया था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था. वहां से तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू नल 0 आ रही. ठीक है याद आया. यस मैम. कराया था मैंने. 20th देखो. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस. ये भी मैंने क्लास में कराया था. इसमें तो सिंपल नो सॉल्यूशन वाला कांसेप्ट लगा दो. नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 याद आया. Yes, ma'am. कराया था. इससे नेक्स्ट भी मैंने तुम्हें कराया था क्लास में. मैम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे फिर प्रॉपर्टी. ये एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू दे रखी है. अब मैंने तुम्हें बोला था तुम इसकी प्रॉपर्टी लगा देना डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a वाली. ठीक है वहां से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. नेक्स्ट बताओ. ये बताओ ये अच्छा है. 22nd आई थिंक शिवा है क्या. उसने मुझसे प्रॉब्लम भी पूछा था. मैं गया हूं मुझसे. शिवा बेटा यही पूछा था ना आपने मुझसे. देखो इसमें कुछ भी मत करो. मतलब कुछ तो करो. F1 की वैल्यू डाल दो. F1 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा. F2 की वैल्यू डाल दो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और F3 और F4 की भी डाल दो. डाल सकते हो. क्या बन जाएगा ध्यान से देखो. 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
अच्छा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। अब वही है, ये भी ना दो डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन में तुम स्प्लिट कर सकते हो, बताओ कैसे करोगे। पहले वाले में 3 आ रहा है तो कुछ ना कुछ 1 1 1 रहा होगा, मतलब ऐसे अज्यूम कर सकते हो क्या, 1 1 1 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 बीटा, बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट वाला बोलो, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही पहुंच जाओगे। अच्छा अब इस क्वेश्चन में कुछ बच गया क्या, यहाँ पर ऑपरेशन लगाना, इधर ऑपरेशन लगाना, 1 1 1 बच गया, 0 0 क्रिएट करना, मल्टीप्लाई करना, के वैल्यू निकाल लोगे, इतना ही था बस इसमें, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था, कर लोगे ना शिवा बेटा, अब ठीक है। नेक्स्ट देखो, a is n 3 is n 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज a और b इसके इक्वल देखा b b ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, ये निकालना है ना, यहां से लेके चलो एक बार, कैसे लिख सकते हो, b की वैल्यू दे रखी है ये ठीक है। अच्छा इसको तुम कैसे लिख सकते हो अब फर्दर, मैम a ट्रांसपोज, हां a ट्रांसपोज a इज इनटू आ जाएगा a इनटू a ट्रांसपोज, a इनवर्स a ट्रांसपोज, इसको t लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। अच्छा हम लोग कुछ चेंजेस यहां से कर सकते हैं, बताओ क्या, a ट्रांसपोज, मैम a ट्रांसपोज a के इक्वल है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, a इनवर्स a ट्रांसपोज, a इनवर्स a ट्रांसपोज, इसको मैं लिख सकती हूं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं 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 नहीं, ये आइडेंटिटी कैसे हो गया, हम वहां से रिप्लेस कर लेंगे, बट वहां से भी क्या करोगे, ये तो इनवर्स है ना, मैम आपने b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो लिया ही नहीं, अच्छा मैम आपने b ट्रांसपोज तो लिया ही नहीं है, देखो ये हो जाएगा a इनवर्स a का ट्रांसपोज इनटू में a छोड़ो इसको, यहाँ देखो क्या चेंज कर सकते हैं, आई आ जाएगा बेटा, ये आई कैसे आएगा, ये अब आप इससे चेंज कर सकते हो ना, ये ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है, ए ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ऐसे लिख सकते हो, ये बन गया आई अब, ठीक है, तो ये बन गया आपका, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई आया था इसका आंसर, हाँ आई तो आया था, अब यहाँ बताओ, इसको बाहर ले लेंगे ना, तो मैं ए इनटू बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, अच्छा ये अब आई बन गया और ये आई आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट तो कर ही लोगे, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9 आई है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, तो उससे नेक्स्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, मतलब जीरो, देखो इन्होंने अच्छे फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, इस x1 को उठा के इधर लेके आना, तो ये ऐसे बनेगा 2 माइनस लेमडा इंटू एक्स वन माइनस 2 एक्स 2 प्लस एक्स 3, ऐसे ही बनेगा ना, इज इक्वल्स टू 0, सेम यहाँ पर ऐसे इनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेना, तो तुम्हें 0 0 मिलेगा राइट हैंड साइड में, मतलब ये होमोजेनस का केस है, और उसमें भी ये नॉन ट्रिवियल पूछ रहा है, तो डिटरमिनेंट को सॉरी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देना, वहां से तुम्हें अपनी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भी कर लोगे, उससे नेक्स्ट भी कर लोगे, सिंपल है, तो 5a + b की वैल्यू निकालनी, यस मैम, अच्छा उससे नेक्स्ट नो सॉल्यूशन का केस है,
मैम कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का है ये, तो तुम बहुत कर चुके। अगला भी हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, उससे अगले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे तुम्हें दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दी थी, एक तो ये होता है, एक वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो फिक्स। यहाँ से अगर आपको इन दोनों को राइट में शिफ्ट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन माइनस ओमेगा। यस मैम। अच्छा, अगर ओमेगा क्यूब वन है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो मतलब मैं इसकी जगह ना खाली ओमेगा लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं खाली ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट? छोटे हो गए ना ये, पहले बड़े बड़े लग रहे थे, अब तुम इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब तो इसका डिटरमिनेंट ही निकालना है, निकालोगे? यस। उससे नेक्स्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो बहुत क्या क्वेश्चन दे रखे उन्होंने, यही पहले a स्क्वायर इज इक्वल टू b करना है। नेक्स्ट वाले में नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है? यस मैम, हो जाएगा ये भी। उससे नेक्स्ट, ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, इसका आंसर भी याद हो गया होगा तुम्हें, फर्स्ट वाला मुझे याद हो गया, तुम्हें तो भूल गया होगा। ट्राई करो, ये अच्छा है। 8th और 9th भी मैंने तुम्हें क्लास में करा दिए थे, ठीक है, दोनों मैंने करा रखे। 7th वाला और ट्राई कर लो, ये अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाते ही अच्छा हो जाता है कुछ। देखो ये दे रखा है, इसने क्या बोला हुआ है, लेट mn बी टू नॉन सिंगुलर स्क्यू मैट्रिसेस, मतलब m का ट्रांसपोज इसने माइनस m के इक्वल दे रखा है, n का ट्रांसपोज इसने माइनस n के इक्वल दे रखा है, ठीक है, अभी तक इसने ये दे रखा है। एक बार तो खोल लो ये इनवर्स और ट्रांसपोज जो भी इसने दे रखा है, तो m स्क्वायर, देखना ध्यान से कहीं गलती कर दूंगा, n स्क्वायर n इनवर्स m t इनवर्स n इनवर्स का ट्रांसपोज और m का, सही है, बोलो। यस मैम। अब m ट्रांसपोज क्या है? माइनस n के इक्वल है, तो मैं लिख दू माइनस तो आगे आ ही जाएगा, अभी लिखती हूँ, देखो m स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, n स्क्वायर एज इट इज रहने दो, n माइनस वन, ठीक है, m ट्रांसपोज को फिर मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस m, तो ये है माइनस एम, इसके ऊपर पावर माइनस वन है, जिसको तुम इनवर्स बोलते हो वैसे तो। तो यहां से माइनस बाहर निकाल लूं, क्या आ रहा है? हाँ माइनस एम स्क्वायर आ रहा है जी, सी बता, हाँ अजय भी सी बता रहा है, बताओ आप तुमने कैसे किया आगे फटाफट। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, कोई नहीं, हाँ जी बोलो 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 जल्दी बोलो मैम, थोड़ा मुझे स्टेप्स मैम फोटो भेजूं? अरे नहीं नहीं, फोटो क्यों भेजनी है, किसी का भी नहीं हुआ सॉल्व, तो मत करो तुम, सॉल्व हो गया बट मैम जैसे मैंने थोड़ा डिफरेंट किया ना आपसे, क्या तो गया वही कर देंगे हम भी, बताओ दिमाग को हमें भी यहाँ लगाना है। तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो? n स्क्वायर n इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिख दूं, n n इनटू में n इनवर्स, माइनस वन
माइनस वन, देखो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एन स्क्वायर और ये आइडेंटिटी, तो कितना बच गया, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन, एम इनवर्स एन इनवर्स एम, ये बचा भाई। अब देखो जरा एक बार, अब हम क्या चेंज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से मैम कॉमिटेटिव है तो n into n inverse identity matrix होती है, m into m inverse। अच्छा आप देखो यहाँ inverse लेना एक बार मैम, m inverse और n inverse ये हो जाएगा ना सिर्फ, देखो इसको हम m square n, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ nm का inverse है ये, ठीक है, minus m square n, nm को मैं change करके mn लिख दूँ। अच्छा एम एन का इनवर्स लूंगी तो मेरा एन इनवर्स एम बनेगा, राइट, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इधर एक एम भी आएगा ना, एन इनवर्स एम इनवर्स एम। अच्छा ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया माइनस एम स्क्वायर आपका। अगर आप मेरे को ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ आई, कर तो दी मैंने समझ, कितने बच्चों को आई है, चलो ये बता दो किसको समझ नहीं आई है। आ गई ना, मैंने बस प्रॉपर्टीज यूज किए। हम एक बार रिपीट कर देना, क्लास ड्रॉप हो गई थी थोड़ी देर के लिए। अभी प्रणव मैंने क्या किया, ये पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था m ट्रांसपोज माइनस n के इक्वल है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n ट्रांसपोज माइनस n के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने m स्क्वायर एज इट इज रखा, यहाँ पर मैंने इनवर्स खोल लिया, ए बी का इनवर्स तुम कैसे ओपन करते हो, बी इनवर्स ए इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा खुलता है, ओपन कर लिया तो क्या आ गया, एन इनवर्स और एम ट्रांसपोज का इनवर्स, सेम मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज खोलिया वो भी रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब उल्टा खुलता है, तो एन इनवर्स का ट्रांसपोज और एम ट्रांसपोज, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एम ट्रांसपोज की जगह माइनस एम रख दिया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको गिवन था। ऐसे ही मैंने एन इनवर्स ऊपर ले लिया, ट्रांसपोज अंदर ले लिया, और उसको एन ट्रांसपोज को मैंने फिर क्या लिख दिया, माइनस एन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका पढ़ाई है, ये मैंने कैसे लगाया माइनस, एम ट्रांसपोज को मैंने माइनस एम लिख दिया, ठीक है, देखो मैंने ट्रांसपोज हटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, यहाँ एन स्क्वायर दिख रहा था, मैंने इसको तोड़ लिया एन इंटू एन में, एन इंटू एन में तोड़ लिया, क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एन इंटू एन इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गया, ये हट गया, यहाँ बचा माइनस एम स्क्वायर एन, देखो इतना पार्ट बच गया, इधर से बचा एम इनवर्स एन इनवर्स, ठीक है, और एम एज इट इज है। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, एन एम का इनवर्स लिख दिया, लिख सकती हूँ क्या, उल्टा खुलता है, एन इनवर्स ही आएगा, इस एन एम को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, एम एन, क्योंकि इक्वल दे रखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एम एन लिखूंगी और उसका इनवर्स करूंगी तो कैसे खुलेगा ये, एन इनवर्स एम इनवर्स, खोल दिया मैंने एन इनवर्स एम इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर ही रहेगा, तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या गया, माइनस एम स्क्वायर, माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन ना आसान होते हैं, बट यहाँ हम लोग पजल हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम कर लेना, ठीक है। अब देखो एक बार एक मिसलेनियस वाला और छुड़वाया था, एक बार फटाफट सुन लो, ट्राई तुम्हें खुद, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, उसके अलावा मिसलेनियस के आसान है, ये तो मैंने तुम्हें करा दिए सी वाले, तो ऊपर देखो ये वाला हो जाएगा, सी वन देखो एक बार, सी वन देखो एक बार, सी वन मैम 15 से हमारी फिजिक्स की भी क्लास है क्या? अच्छा देखो मैंने ना सिर्फ एक मिसलेनियस के जो कुछ ही क्वेश्चन है ना 8-9 वो छुड़वाए हैं, तो तुम कर लोगे वो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, अदरवाइज पूरा अपना कंप्लीट हो गए। इससे पहले जो एक्सरसाइज है ना वो सारी आसान है, जो मेन क्वेश्चन है ना वो इसी में थे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, थोड़े से छुटे हैं बिल्कुल, 10 क्वेश्चन लगा लो मैक्सिमम, उसके अलावा अपन ने सारा कवर कर लिया, क्लियर है, मॉड्यूल हो जाएगा तुम लोगों से? यस मैम, यस मैम, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर चलते हैं, कर लो तुम अटेंड नेक्स्ट क्लास, अपन, थैंक यू मैम, बाय, थैंक यू मैम, हैप्पी हॉलिडे मैम, सेम टू यू।